कलयुग में तो भक्ति की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा। जैसे हमें बहुत सारी नेगेटिविटीज आती है, जैसे कोई एग्जांपल, कोई पर्सन अगर वो हमारी लाइफ में नेगेटिव है तो हम उससे कैसे रहते हैं? पता क्या, नेगेटिविटी ये तो बाहर ही जो सोर्सेज है ना, एक्चुअली हमने ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत इकट्ठी कर रखी है और मन का स्वभाव नेगेटिव होने का ही है। जैसे आप देखो जो टीवी सीरियल भी होते हैं ना, उसमें 90% नेगेटिव चल रहा होता है, ये मर गया, वो मर गया, उसने उसको धोखा दे दिया, वो पलट गया, और लोग ऐसे ऐसे 5,000 एपिसोड के बिना कहानी के टीवी सीरियल देख करके जिंदगी अपनी खराब कर चुके हैं और आज भी खुशी खुशी कर रहे हैं। एक कहावत है, when we do not have spiritual substance in the heart, then we remain slaves of our surroundings. हमने परिस्थितियों के गुलाम बनके क्यों रहते हैं? Because I don't have spiritual substance in my heart. तो इसे बहुत जरूरी है कि हम उस spiritual substance पे काम करें। पर वो जब नहीं होता, then we get provoked very easily. और होता क्या है? When you have that spiritual substance in the heart, जो भक्ति से जो मिलने वाला जो substance है, ये इतना condensed होता है actually, it वो आपको ठहराव देता है कि जब provocation आती है, when negative person is inciting you to behave in a negatively, Hare Krishna. That's it.